बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अज़न कुछ आम डिटेल्स हैं आज की व्लॉग में अक्सर शेयर करनी है। सबसे पहला तो ये कि 6 कोर कमांडर्स या 6 जर्नेलों की जानिब से अपनी क्यादत यानी कि आर्मी चीफ साहब से ये कहा गया है कि जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर उन्हें अदम एतवाद या तशवीश है, जिस पर उनसे 3 महीने का मज़ीद वक्त मांगा गया है। और ये कुछ बड़े दावे सामने आ रहे हैं और यहाँ तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो सख्तियाँ हो रही हैं वो इसी वजह से हो रही हैं कि जो 3 महीने का वक्त मांगा गया है, फिर इस 3 महीने के अंदर जो कुछ भी होना है वो होना है। मामला क्या है, क्या इस हवाले से चीज़ें चल रही हैं, कुछ तफसीलात आप सब में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आर्मी चीफ साहब की तब्दीली का ऐलान किया गया है। ये माजरा क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट ये तब्दीली है ख़ास तौर पर मौजूदा सिनेरियो में, इस पर भी तफसीलात अक्सर शेयर करूँगा। और जो बजट कल वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश किया गया, इस बजट को हुकूमत ने पेश तो कर लिया है लेकिन शायद वो इस बजट को मंजूर ना करा सकें। कल बजट सेशन में मौजूद रहा, वहाँ पर कुछ चीज़ें जो मैंने देखी या जो मैंने कवरेज की, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी ने बजट के मामले पर शहबाज हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा है कि वो बजट के हक़ में वोट नहीं देंगे। और यही रीज़न थी कि कल बजट सेशन में भी पीपल्स पार्टी के सिर्फ 2-3 जो सीनियर रहनुमा थे जिनमें खुर्शीद शाह थे वो मौजूद थे, और दीगर पीपल्स पार्टी की जो क्यादत थी बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो, इवन के जो दीगर अराकीन थे वो भी मौजूद नहीं थे। तो बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, क्या इंटरनल्स मीटिंग होती रही, कुछ अंदरूनी कहानी है वो भी आप सब में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन एक बात आपको क्लियर करता चलूँ कि पीपल्स पार्टी इस वक्त ब्लैकमेल कर रही है मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नून को, और पीपल्स पार्टी वो किरदार इस वक्त प्ले कर रही है जो माजी में MQM की जानिब से प्ले किया जाता था। अब खैर, पीपल्स पार्टी की ब्लैकमेलिंग या मुस्लिम लीग नून ने कोई ऐसा बजट पेश नहीं कर लिया कि हम कहें कि बहुत ज़बरदस्त बजट है और पीपल्स पार्टी को इस तरह से इकदाम नहीं करने चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी इस वक्त बैकफुट पर रह कर खेल रही है, यानी कि वो काबीना में भी शामिल नहीं हो रही, वो हुकूमत में भी शामिल नहीं हो रही, लेकिन वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ को वो वोट ज़रूर दे रहे हैं। और बाहर आकर वो ये कहते हैं कि हम तो इस हुकूमत का हिस्सा ही नहीं है और इस हुकूमत की जानिब से जो इकदाम किए जा रहे हैं उसका भी हम हिस्सा नहीं है। अब जब कल बजट पेश किया गया तो पीपल्स पार्टी ने इस बजट से जो के हक़ में वोट देने से इनकार किया। जो क़यादत थी मुस्लिम लीग नून की वो गई पीपल्स पार्टी के पास और उन्हें मनाने की कोशिश की, जिस पर सिर्फ इतना डिसाइड हुआ कि फेस सेविंग के लिए हम ऐसा करते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामलात आपको बता रहा हूँ, जो मीटिंग हुई फेस सेविंग के लिए ऐसा कर देते हैं कि हमारे 2-3 जो अहम रहनुमा हैं जिनमें खुर्शीद शाह साहब कल नज़र आए वो बैठ जाते हैं और आप बजट पेश कर दें, लेकिन हमारे दीगर रहनुमा नहीं बैठेंगे और जब तक हमारी डिमांड्स को आप पूरा नहीं करेंगे बजट में, बेसिकली ये जो है वो PSDP ये बेसिकली सूबों को शेयर के हवाले से चीज़ें होती हैं, इसमें शेयर एक बड़ा मांगा जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से अपने सूबे सिंध के हवाले से। तो ये कल तय हुआ जी कि बजट आप पेश कर लें, लेकिन अगर आपने हमारी ये मांग पूरी नहीं की तो फिर उसके बाद हम इस बजट के हक़ में जो वोट है वो नहीं देंगे। लेकिन खैर, पीपल्स पार्टी की इस वक्त औकात मेरे ख्याल से मेरी नज़र में इतनी रह गई है कि कहीं किसी अहम जगह से इनको एक फ़ोन कॉल आनी है और इस फ़ोन कॉल के बाद इन्होंने भागे भागे जाना है और बजट के हक़ में जो वोट है वो भी देना है। इस हवाले से खुर्शीद शाह साहब की जानिब से इजहार भी किया गया है जी, और उन्होंने कहा है कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि PSDP पर हमें एतमाद नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत ने PSDP पर हमें एतमाद में नहीं लिया और ना ही हमसे कोई बातचीत की है। उन्होंने कहा जी कि ये तय हुआ था कि चारों सूबों में PSDP बैठकर तय करेंगे, लेकिन हुकूमत की जानिब से तय नहीं किए गए मामलात। अब थोड़ा सा अगर हम इस चीज़ के ऊपर गौर करें तो हुकूमत तो फ्रंट पर हैं, चुनतखब हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर ख़जाना जो हैं इस वक्त के हमारे मौजूदा, उसके ऊपर ख़ुद जो हुकूमत है वो नहीं चाहती थी जी कि वो वज़ीर ख़जाना रहे, वो तो इसहाक़ डार को लाना चाहते थे। तो फिर आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि जो बजट पेश हुआ है इसमें मौजूदा हुकूमत का कितना इन्फ्लुएंस है या मौजूदा हुकूमत की कितनी मर्ज़ी है जो आपके साथ ये बैठ कर चीज़ों को तय करते। लेकिन खैर, पीपल्स पार्टी ने इस वक्त ये एक जो चाल है वो खेली और कल असम्बली में भी सारा दिन यही होता रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो अपनी डाइस पर खड़े होकर और जो बुक्स थी बजट की वो डाइस पर मार कर एहतजाज कर रहे थे, दूसरी साइड जो थी हुकूमत वाली इस पर वज़ीर ख़जाना बजट पेश कर रहे थे, और साथ जो पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी हैं जो सिर्फ फ्रंट टेबल था उस फ्रंट टेबल पर खुर्शीद शाह साहब और 1-2 लोग और बैठे हुए थे, पीछे सारा खाली था जहाँ पर पीपल्स पार्टी के अराकीन की जानिब से बैठना था और बिलावल भुट्टो बजट पेश करने से
पहले ही असेंबली से चले गए थे। वो आए असेंबली में, मीटिंग्स वगैरह हुई, लेकिन उससे पहले वो चले गए। तो असल में इंटरनल कहानी इनकी ये हुई है कि जो बजट है उसमें ये चाहते हैं कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इनके सूबे को जो शेयर है वो दे दिया जाए, और तब ही ये बजट के हक़ में जो वोट है वो देंगे। और क्यों सूबे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट मांग रहे हैं, उधर सी बात है इन्होंने फिर अपनी जो करप्शन है वो फिर मुबैना तौर पर इसी तरीके से ही फिर होनी है। ज़्यादा बजट आएगा तो ज़्यादा होगी। खुर्शीद शाह साहब ने मज़ीद ये कहा है कि पीपल्स पार्टी को बजट IMF और चीन से मुआहदों पर भी एतमाद में नहीं लिया गया। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये पूछा जाए कि क्या हुकूमत को लिया गया है एतमाद को, कि जो हुकूमत जो है वो आपको एतमाद में लेगी। सबको मालूम है कि इस वक्त जो चुनतखब हुकूमत है वो चल रही है। बहरहाल ये थोड़ी सी कुछ कहानी थी। इसके साथ ही ताजर बरदरी ने मुस्तरद कर दिया है मौजूदा साल का जो बजट पेश किया गया है। इसमें जी क्या उनका कहना है, कुछ डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ जी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने 18,870 अरब रुपये का बजट पेश किया और इसके खसारे का तखमीना 8,338 लगाया गया है, जबकि ताजर बरदरी ने इस पर तनकीद की है। और ज़ुबैर मोतीवाला ने कहा है कि पेश करदा बजट में 3,500 अरब रुपये के नए टैक्सेस लगाए हैं, इससे महंगाई का नया तूफ़ान आएगा, नए टैक्सों से सनत की कारकर्दगी शदीद मुतासिर होगी। बहरहाल ताजर बरदरी ने मुस्तरद किया है, साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी इन दोनों की जानिब से भी इस बजट को मुस्तरद कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या कहना है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहर कातिल का नाम दिया इस बजट को। PTI की जानिब से जारी रद्दमल में कहा गया कि वफाकी हुकूमत का आवाम दुश्मन बजट ना सिर्फ आवाम के माशी कत्ल बल्कि आम आदमी के मामूलात ज़िंदगी पर हमले का ज़रिया है। हालिया बजट दरअसल IMF का बजट है जिसमें हुकूमत की कोई मंशा शामिल नहीं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो खुलकर ये कह दीजिए कि ये तो सारा IMF का बजट है, आपकी कोई मंशा ही नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खैर पहले ही ने चुनतखब वज़ीर आज़म कहती है। इसके अलावा जी कहा गया कि आइंदा माली साल के लिए माशी शरह नमू का हदफ 3.6% किया गया, जबकि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक शरह नमू 2.4% से ज़्यादा नहीं होगी। 12% शरह महंगाई का हदफ बजट को मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल गैर हकीकी है, जो हासिल करना नामुमकिन होगा। वफाकी हुकूमत के पेश करदा बजट के मुताबिक अवाम पर टैक्सेस की भरमार के नतीजे में महंगाई का तूफान आएगा। IMF के कहने पर टैक्स हदफ 48% बढ़ाकर 12,970 अरब रुपये कर दिया गया, जो हुकूमत का इंतहाई ज़ालमाना इकदाम है। अच्छा, इसमें आपको मैं ये बताता चलूँ कि इस मरतबा इन्होंने बजट में ये तजवीज़ भी दी है कि जिन अफराद की 50,000 से ज़्यादा सैलरी होगी उनके ऊपर जो टैक्स है वो उन्होंने दुगना कर दिया है। यानी कि 50,000 से ऊपर जिनकी सैलरी थी, या आप ये कह लें 50 से 60,000 के दरमियान जिनकी सैलरी थी, इनकी अगर जो टैक्स था, अगर इनकी इनकम के ऊपर वो 250 कटता था, तो अब बजट में तजवीज़ कर दिया गया है कि ये अब 500 कटेगा। इसी तरह से जिनकी 70,000 सैलरी थी उनका 500 रुपये कटता था टैक्स, और अब उनका जो टैक्स है वो 1,000 रुपये करने की जो तजवीज़ है वो कर दी गई है। 50,000 से नीचे जिनकी तनख्वाहें हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, उनका टैक्स नहीं कटेगा। लेकिन इसी तरह से अगर 80,000-90,000 जाया जाए तो 1,250 जो जिनका टैक्स था उनका जो टैक्स है वो 2,500 रुपये कर दिया गया है। यानी कि 1,00,000 जिनकी सैलरी होगी वो अब इस बजट के मुताबिक वो अब 2,500 रुपये जो टैक्स है वो अदा करेंगे। तो इस वजह से आवाम दुश्मनी जो टैक्स है वो करार दे दिया गया है। बहरहाल हमेशा जो तनख्वाहदार तबका है वो इस टैक्स के नरगे में भी आता है और रगड़े में भी आता है, क्योंकि बैंकिंग के थ्रू ही उनकी जो सैलरीज हैं वो ट्रांसफ़र की जाती हैं और सब कुछ उनका डिक्लेयर होता है। लेकिन असल जहाँ पर टैक्सेस लगाने चाहिए, मेरे ख्याल से जो कारोबारी तबका है, कारोबारी हजरात हैं, वो अपनी इनकम उस तरह से शो नहीं करते, छुपा कर रखते हैं, उनकी अपनी मंतकें हैं इस हवाले से, जिसमें ताजर बरदरी ने अभी इस बजट को मुस्तरद भी किया है। लेकिन कंपेयर करने का मकसद ये है कि हमेशा अगर बजट के नरगे में कोई आता है या जिसके ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ता है, वो सैलिड जो तबका है वही रहता है। तो बहरहाल जी, ये बजट के हवाले से कुछ गुजारिशात थी, वो आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ कि शहजाद अकबर साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी थे और इमरान खान साहब के साथी भी थे, आजकल ये लंदन में हैं। इन्होंने एक बड़ा दावा किया है और इसको मुनीम फारूक साहब है, उन्होंने भी इनके इस दावे को कोट किया है। उन्होंने ये कहा है कि एक मीटिंग में, या वैसे 6 जो कोर कमांडर्स हैं उन्होंने मौजूदा लीडरशिप पर मौजूदा हालात के हवाले से अदम एतमाद का और तशवीश का इजहार किया, और उनका ये मानना था जी कि ऑन ग्राउंड जो इस वक्त चीज़ें हैं वो सही नहीं हो रही।
तो इस पर जो आर्मी चीफ साहब थे, यानी कि मौजूदा क्यादत, जाहिर सी बात है इस वक्त आर्मी चीफ ही हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया जी कि 3 महीने दे दिए जाएँ, 3 महीने के बाद जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। और इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इन दिनों में देखा जा रहा है कि जो सख्तियाँ हैं वो मज़ीद बढ़ गई हैं। एक तरफ जो रिलीफ मिल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालतों से, वो तो इस वजह से मिल रहा है कि अदालतों ने स्टैंड ले लिया है, जो उनके इदारे में मुदाखलत की जा रही है, और उनका ये कहना है कि हम आयन व कानून के मुताबिक फ़ैसले करेंगे। तो इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिल रहा है ये तो आयन व कानून के मुताबिक मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें, सनम जावेद है, आलिया हमज़ा, उनके साथ जो मजालिम हो रहे हैं, और अभी इमरान रियाज खान साहब जो हैं उनको जो उठाया गया, उनको केस से आज डिस्चार्ज तो कर दिया गया है, लेकिन जैसे ही उनको केस से डिस्चार्ज किया गया तो एक और मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। यानी कि जो कुछ सनम जावेद या आलिया हमज़ा के साथ हो रहा है वही कुछ आजकल अभी इन्होंने शुरू कर दिया इमरान रियाज खान के अगेंस्ट। तो सख्तियाँ मज़ीद बढ़ाई जा रही हैं और 3 महीने के अंदर मज़ीद जो सख्तियाँ हैं ये भी बढ़ेंगी। तो ये शहजाद अकबर साहब हैं, उनकी जानिब से ये जो बड़ा दावा है वो किया गया है, और इंटरनली उन्होंने चीज़ें बताई हैं जी कि ये इस वक्त जो मामलात हैं वो चल रही हैं। और 3 महीने का जो वक्त है, अगर कुछ देखा जाए कि 3 महीने के बाद क्या डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं और इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है, अगर वाकई 3 महीने का कहा गया है, तो एक तो 3 महीने के बाद ये होने जा रहा है कि चीफ़ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब वो रिटायर हो जाएंगे, उनकी जो मुद्दत है, उनकी जो टर्म है वो पूरी होने जा रही है, और जो एक प्लान था कि शायद चीफ़ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब को आयन में तरमीम करके हम एक्सटेंशन दे देंगे, तो उस इस मामले के ऊपर अदलिया के अंदर से जो रिएक्शन आया, जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह और अदलिया के अंदर से जजेस खड़े हुए, तो ये एक्सटेंशन का प्लान तो फेल हो गया, जिस किसी का भी था। तो एक तो 3 महीने के बाद चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब रिटायर हो जाएंगे, और फिर एक और चीज़ देखी जाए तो नवंबर में गालबन अमेरिका में इलेक्शंस भी हैं, तो जो मौजूदा बाइडन इंतज़ामिया है शायद इसका जो ये इकतदार है ये सारा गोल हो जाए, और जो ट्रंप हैं उनको इस वक्त फेवरेट करार दिया जा रहा है कि ये जो इलेक्शंस हैं, इन इलेक्शंस में वो अक्सरियत हासिल करेंगे और सदर बनेंगे अमरीका के, और अमरीका में जब कोई नया अगर सदर बनता है या वहाँ पर अगर कोई शिफ्ट इन पॉलिसी होता है तो जो उसके असरात हैं वो पाकिस्तान के हवाले से भी बताए जाते हैं कि फिर यहाँ पर भी जो तब्दीलियाँ वो होती हैं। तो 3 महीने के बाद ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि होने जा रहे हैं। तो बहरहाल जी, ये कुछ दावे थे आपके साथ मैंने शेयर करने थे। आखिर में नाज़रीन, भारत के हवाले से भी एक बड़ी खबर आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ, और वो ये है कि भारत में इंतखाबात हो रहे थे और उनके जो आर्मी चीफ थे, इंतखाबात की वजह से 1 माह के लिए उनको तोसी दे दी गई थी, लेकिन जैसे इंतखाबात ख़त्म हुए, नए वज़ीर-ए-आज़म आए, तो नए आर्मी की जो तैनाती है वो कर दी गई है। भारत में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्रा द्विवेदी, ये कुछ अगर प्रोनाउंसिएशन में सही नहीं कर रहा तो देख लीजिएगा, इन्हें नया आर्मी चीफ नामज़द किया गया है। 30 जून को ये चार्ज संभालेंगे, और भारतीय मीडिया के मुताबिक इस वक्त ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, और 30 जून को मौजूदा आर्मी चीफ जनरल मनोज सी पांडे ओहदा छोड़ देंगे, और उनके ओहदा छोड़ने के बाद ये चार्ज संभाल लेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक जी 1964 में पैदा होने वाले ये जो जनरल साहब हैं, कई अहम पोस्टों पर फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं, जबकि मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं इनको गुज़श्ता माह मई के आखिर में रिटायर होना था, ताहम इनकी मुद्दत में 1 माह की तोसी कर दी गई थी। तोसी का जो मकसद था वो ये था कि जो इंतखाबात थे भारत में वो हो रहे थे, तो भारत में भी ये जो तब्दीली है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में तो इस तरह से होता है, मेरे ख्याल से कभी एग्जांपल मैंने नहीं देखी कि 1 महीने की तोसी हुई हो। यहाँ पर तो जब भी तोसी होती है वो 3 साल की होती है, और फिर मार्शल ला के भी जो अदवार हैं वो भी गुजरे हैं, लेकिन भारत में इस तरीके से नहीं देखा गया। वहाँ पर जो भी है, मोदी की हुकूमत आती है या और किसी की हुकूमत आती है, लेकिन एक जो जमहूरी हुकूमत है वही रहती है। तो इसी तरह से उनका जो मुल्क है वो आगे चल रहा है। तो बहरहाल जी, पाकिस्तान में इस वक्त देखिए आप जो चीज़ें हैं वो कहाँ तक जाती हैं। इमरान खान साहब तो डटे हुए हैं, और इमरान खान साहब को बार बार जो मैसेजेस हैं वो भी भेजे जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दी गई है, बहुत सारे तजज़ियाकार भी इस हवाले से अब अपना तजज़िया भी पेश कर रहे हैं कि जो कुछ मर्ज़ी हो इमरान खान साहब डील तो नहीं करेगा। और इमरान खान साहब जहाँ तक मुज़ाकरात की या बातचीत के हवाले से चीज़ें हैं, तो वो तो इमरान खान साहब ज़रूर करेगा, लेकिन उन मुज़ाकरात का या बातचीत करने से ये कभी भी ना समझा जाए कि इमरान खान साहब
किसी तरह से डील ले रहे हैं या डील कर रहे हैं या डील दे रहे हैं। तो ये जी कुछ आम तरीन तफसलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।